मैं तो सोच रहा था आप भी करोगे परफॉर्मेंस, आपका भी होगा कुछ। नहीं, इस साल मैंने कहीं नहीं करा, अच्छा नहीं लग रहा ना, दादी नहीं है तो नाचो। पर आप यकीन नहीं था, पिछली बार दादी आई थी मैं देखने के लिए। तो आप लोग बनाते क्या क्या? नाइट विजन इक्विपमेंट है, फायर डिटेक्शन सिस्टम। अभी वोटिंग वोटिंग का ही बता दो। दोनों जो गाने के मेन लीड है, दोनों के दोनों बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया और एकदम नेचुरल कर रहे हैं, नेचुरल। तो आप सभी को नमस्कार, सुशील वाले डूब चैनल में। तो आज है 25 मई और मैं हूँ अभी अपने शहर कोटद्वार में, और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप जहाँ मैं रहता हूँ, बीएल कॉलोनी। और आज हमारे जो बीएल फैक्ट्री है उसका एनुअल डे है, तो हर साल यहाँ पे एनुअल डे बनाया जाता है, तो ऐसे ही आज एनुअल डे बना रहे और बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है। अभी अंदर ले आके दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप मेरी कॉलोनी का नाम दे सकते हैं। ये मैडम खड़ी हो गई आगे, लेकिन लिखा हुआ है शकुंतलम BEL टाउनशिप। सीरियस है भाई मैडम, है ना, कुछ लग रहा, कुछ वो लड़ाई होगी लग रहा। और देखो भाई कितने तरीके से अंदर सजा रखा है, पूरा मतलब रास्ता सजा रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखो लोग आने में लगे हैं अभी ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। एंट्री है, यहाँ से पूरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा घर ये है पीछे, यहाँ जय श्री राम का लोगो भी देख सकते हो आप, ये हमारा घर हो गया। और यहीं से ही ये पीछे प्रोग्राम हो रहा है, तो पहले तो हम पता है कभी कभी अपनी बैल्कनी से ही देखते थे पूरा शो, जैसे कभी कभी मम्मी का मन नहीं कर रहा है तो घर से देखते थे, तो देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, देख के आते हैं जरा कैसे चल रहा है प्रोग्राम। पिछली बार तो मुझे याद है दादी को ले गया था मैं, दादी गई थी मेरे साथ, तो दादी को दिखाया था मैंने आगे बैठा के, बढ़िया। बाहर आ जाओ कि यहाँ से देखते थोड़ा जरा। तो अभी मम्मी ने मैंगो शेक बना रखा था, मम्मी ने बोला फटाफट पी के आ जाओ, और मैंने सोचा चलो आपको दिखा भी दूंगा कि हमारी बैल्कनी से लगता कैसा है। तो ये देखो अभी तो फिलहाल ही थोड़े पेड़ आ रहे हैं, वरना यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये देखो अभी राम भगवान जी को डेडिकेट करते हुए परफॉर्मेंस हो रहा है, और अगर हम वहाँ छत से देखेंगे ना हमारी बिल्डिंग की, तब तो बहुत ही क्लियर देखेगा, पूरा व्यू आएगा। एक बार मैं दिखाई जाता हूँ ऊपर छत में जाके, आहा ये देख सकते हैं आप, ये व्यू है हमारे छत से, क्या बात है, कितने लोग आ रखे हैं भाई। थोड़ा इस बार कम क्राउड है, देखो पीछे की सीट काफ़ी खाली है, वरना पिछले साल भरा हुआ था पूरा। और परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप यहाँ से, भाई जूम टेस्ट हो गया भाई, पूरा जूम टेस्ट हो गया आज तो फोन का, क्या बढ़िया वीडियो आ रही है। अगर मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो कितनी और अच्छी आएगी, क्या बात है, बहुत प्यारा डांस। साथ में यहाँ बच्चों के लिए ये कूदने वाला भी लगा रखा है, इसमें अब यहाँ जिनको मज़ा नहीं आ रहा होता ना, बच्चे यहाँ आते हैं यहाँ कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं। और पहले यहाँ पर खाने की स्टॉल भी लगती थी, पता नहीं अभी, हाँ नहीं तो पानी का है, खाने का है, अच्छा खाने का इस बार उस साइड कर रखा है। अरे वाह, इस बार तो काफ़ी तरीके से कर रखा भाई, बहुत सुंदर लग रहा है, वरना पहले तो यहीं कहीं ठेली लगी रहती थी ऐसे, मतलब ये ऐसे नॉर्मल सा लग रहा था टेबल, फिर खाते रहते थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था शादी हो रही होगी किसी की। जोरदार तालियों के साथ इन प्रतिभाशाली कलाकारों का धन्यवाद करें, क्या बात है, हमारे दिलों को रामायण की अद्भुत कथा से भर दिया, बहुत सुंदर। पर जनता कम है तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दिया हमें। और पहले मेरा मन था कि यहाँ ड्रोन लाऊंगा और ड्रोन उड़ा के पूरा दिखाऊंगा आपको, लेकिन ना देखो ये एक ड्रोन ऑलरेडी वहाँ पे उड़ रहा है, देखो स्टेज के सामने ये रहा। तो फिर पता क्या होता, अंधेरे में पता नहीं चलता, कहीं टकरा जाता ना मेरा और उसका ड्रोन, फिर लेने के देने पड़ जाते, तो इसलिए मैं लाया ही नहीं। मैंने छोड़ो मैंने छत से दिखा दूंगा, इतना बढ़िया व्यू कहाँ मिल रहा है ड्रोन से भी। क्या मिल रहा भैया? अरे वाह, सबके लिए ये, बाबा धन्यवाद। देखना जरा क्या है ये ये तो आपको पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं ये तो पसंद है भाई, सॉल्टेड लेज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी आपको पसंद नहीं? ये मिनट मिनट भाई मेरी फेवरेट है। और ये भी आपको पसंद है? ये भी अच्छा लगता है, 50-50। और दिखा और दिखा, और भाई तीन चीज़ है, मुझे लगा और होगा, लेस तो खा ही लेते हैं अभी यार, मन कर रहा, भूख लग रही।
और जो मैं खाने वाले चीज दिखा रहा था ना, ये खाने की बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट हो रखी है, तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने परफॉर्मेंस करी है, बाकी आम जनता के लिए नहीं है। तो हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे, जिन्होंने कुछ पार्टिसिपेट किया है या जो कमेटी में थे वो ही खा सकते हैं वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो अब सब उठने लग गए हैं, क्या हो गया इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? जल्दी जा करता हूं। अभी कहाँ यार, अभी देख परफॉर्मेंस और है, सब निकल रहे, सब निकल रहे। ये सारी सहेलियां क्यों खड़ी हो गई यहाँ पे? एक बार फिर हम बैठ नहीं पाए ना किसी तरह का, दूर दूर बैठ रही थी सारी सहेलियां, अब गुट बना लिया उन्होंने लास्ट में। चले खाने के लिए, हमारे लिए थोड़ा ना देखने के लिए ये। पता है अब बोलो पार्टिसिपेट करोगे तो बेटा खाना खाओगे। पापा पापा का है पर वहाँ, आप तो कमेटी में है ना, क्योंकि मैं तो सोच रहा था आप भी करोगे परफॉर्मेंस, आपका भी होगा कुछ। नहीं, इस साल मैंने कहीं नहीं करा और मैं करना नहीं चाहती, नहीं करना चाहती इस बार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना, दादी नहीं है तो नाचो ऐसे नहीं। अच्छा, दादी के लिए इसे अच्छा नहीं लग। अरे मैं अभी यही बोल रहा था, यकीन नहीं था पिछली बार दादी आई थी मैं देखने के लिए, मुझे वही, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला दादी को ला रखे, इसीलिए नहीं करा मैंने किसी चीज में इस बार, तो ये है रीजन ये है। चलो भाई, चलो भाई, फिलहाल पहचान लिया मुझे, पहचान लिया मुझे, हेलो तो करो, हेलो करो, काका देखते हो भैया को, मुझे बस धनुष चाहिए। धनुष चाहिए, अच्छा वो वहाँ पे है, मुझे चाहिए धनुष। कहाँ पर है? वहाँ। अच्छा, वो राम भगवान जी का। अभी दिन जरा इसको तो ये तो खुश हो गया मिनटों में। चलो बाय कर दो, बाय। मुझे वो धनुष चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं? पापा से बोलो ना अपने, पापा ले, पापा नहीं दे रहे, पापा ले। मम्मी की नजर बार बार पीछे पीछे मुड़ने में लगी है कि कुछ क्या पता कोई वहाँ से बुला ले, अरे आ जाओ आ जाओ। नहीं बुलाएंगे और हम जाएंगे भी नहीं, जाते थोड़ा ना, दिमाग खराब है क्या? जीभ लपलपाई। अपनी बेल फैक्ट्री के बारे में कुछ बताया था, पापा आ गए थे अभी अपनी ड्यूटी करके। 37वां हमारा एनुअल डे था, 88 में हमारी फैक्ट्री स्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे। वैसे तो मतलब 86 से हो गया था काम शुरू, लेकिन जो एनुअल डे मनाया गया 88 में मनाया गया पहले, इसलिए 37वां था ये। और इस समय जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो CMD भी, उन्होंने भी कोटद्वार को ज्वाइन किया था, डायरेक्टर R&D थे उन्होंने भी कोटद्वार को ज्वाइन किया शुरू में, मतलब स्टार्टिंग। और जो इस समय हमारे GM है इन्होंने भी शुरू में कोटद्वार को ज्वाइन किया था। इस समय तीनों जो भी हमारे मेन वो थे चीफ गेस्ट, हाँ, तो वो तीनों के तीनों कोटद्वार की उनकी ज्वाइनिंग है, तो मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है। और मतलब सब जिन्होंने नींव रखे थे वो सब यहीं आ गए थे चीफ गेस्ट बन के, उन्होंने मतलब भरोसा दिलाया कि मतलब आगे ऑर्डर ऑर्डर की कोई समस्या नहीं होगी। और इस साल हमें 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो आप लोग बनाते क्या क्या? बनाते तो नाइट विजन इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, टैंक वगैरह के लिए IFDSS, जो तुमने अभी वोटिंग का ही बता दो, क्योंकि वोटिंग का भी चल रहा है ना, तो जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन भी मतलब ऐसे मेन तो हमारा बेंगलोर यूनिट बनाता है, लेकिन उन्होंने पर बना रहा तो BLE है, चाहे वो यहाँ के बनाए जाए बेंगलोर के बनाते हैं। अच्छा, तो ECL और BL बनाते हैं, तो BL बेंगलोर ने हमें भी कुछ ऑर्डर दिया है कि मतलब आप लोग, तो हमने भी बहुत सारी पिछले 2 साल में बहुत सारी वोटिंग मशीन बनाई है, बैलेट यूनिट, और एक वो होता है जिसमें प्रिंट निकलता है ना, वो भी दिखता है, पजल जाता है कि हमने इसको वोट, हमारा वोट सही गया है, प्रिंट होके आता है, लगा हुआ था इस बार भी। तो BL का लोगों पे तो लगा रहा था मशीन में, जब पहली बार था ना, इससे पहले वाले में, इस बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर पिछले बार तो मैंने देखा था BL का लोगो लगा हुआ था। मशीन मैक्सिमम रहती है, ECL भी रहती है, और इस बार काफी वो जो स्क्रीन लगी हुई थी पीछे वो भी बड़ा अच्छा लगा देख के, बड़ा अच्छा था, उससे मतलब शो काफी अच्छा रहा था, वीडियो जब मैं बना रहा था तो अच्छा लग रहा था देख के। वही बोल के GM ने ही बोला कि ये स्क्रीन लगाने के लिए, GM साहब तो इस बार पूरी फैक्ट्री को कलर कर दिया, पूरा मतलब पूरी पेंटिंग चल रही है पूरी फैक्ट्री में, सारे बिल्डिंगों की पेंटिंग, मतलब पुताई पुताई। अच्छा, तो होती है हर समय? हर समय कहा, कई साल से नहीं हुई थी। अच्छा, और लाइटिंग देखी होगी? हाँ, लाइटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, टेंट भी बहुत अच्छा था, जैसे वो फ्रंट का दिखा दिया, हाँ दिखाया,
फ्रंट से दिखाया स्टार्टिंग से, तो वो कितना सुंदर लगा सारा इस बार, बहुत अच्छा था। लोग कम थे बस, पर अरेंजमेंट पूरी बढ़िया हो रही थी। दरअसल लोग इसलिए कम हो गए ना, बहुत रिटायर हो गए ना, जैसे बाहर वाले पब्लिक को भी ना बुलाना चाहिए वैसे। मतलब वो कूपन सिस्टम कर देता ना, क्या देता है वो टोकन, टोकन नहीं देते आने के लिए, वो विजिटर पास देते हैं, जबकि विजिटर बीएल में एंट्री करने के लिए, जबकि अब विजिटर पास नहीं होना चाहिए, सबको अलाउ होना चाहिए तो कि भाई कोई भी आ सकता है। कह रहा है कि किसी सिंगर को बुलाओ ना, फेमस सिंगर को, तब देखो कैसे आएंगे लोग भगते भगते। ऐसे कॉलेज में नहीं होता फेस्ट, उसमें नहीं आते सिंगर, कैसे आते हैं लोग भागते हुए। यहाँ भी अगर ऐसे कोई सिंगर आ गया फेमस तो एकदम आएंगे, बस यही कि उनका थोड़ा पैसा ज्यादा लेते हैं वो, पर अगर एक बार बुला दिया तो फिर आएंगे ही आएंगे। और मैं तो कह रही ये भी ना हो तो स्कूल के बच्चों, जैसे एक बार पहले एक दो बार पहले भी कर रखा है, स्कूल के बच्चों को बुलाते थे ना, बुलाना चाहिए। कॉन्वेंट की जैसे एक टीम बुला दी, एक डीएवी की, एक और की, पहले अब तो स्कूल भी कितने हो गए, बड़े चार पांच स्कूल ले लिए, उनकी एक एक परफॉर्मेंस जरूर होनी चाहिए। मतलब उनसे बच्चों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पेरेंट्स भी आते हैं और अच्छा भी लगता है, मतलब उनको भी होता है कि हमें उन मतलब बीएल में बुलाया है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये वो बहुत ये एक मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए वैसे कायदे से। कई लोगों का इस बार लास्ट भी था ये एनुअल डे, हाँ तो रिटायर, अच्छा रिटायर होने वाला। कई लोगों का लास्ट था तो बेचारे काफी वो हो रहे थे ना इमोशनल टाइप के, वही फोटो वोटो खिंचा रहे थे अपनी, मतलब लास्ट है इस बार, मतलब कई लोग अगले एनुअल डे में यहाँ पे रहेंगे। पर हम तो हम आ सकते हैं, हम तो यही है कोटद्वार, हम तो एनुअल डे में आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे। तो पूछेगा नहीं ना कोई, अभी तो हम ऑर्गेनाइजर में रहते हैं, बाद में पीछे बैठे रहेंगे। तो अभी वापस मैं अपने स्टूडियो में आ गया था और काफी अच्छे से पापा ने एक्सप्लेन किया है, जो पापा की फैक्ट्री है, वेल फैक्ट्री, जहाँ पे पापा काम करते हैं, और लगभग 28-29 साल हो गए, ये ज्यादा ही हो गए होंगे शायद, मतलब नहीं नहीं ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, कम से कम 32-33 साल हो गए होंगे इस कंपनी में पापा को। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पापा इतने अच्छे से समझाएंगे बीएल के बारे में, पर चलो अच्छी बात है, आप सबको भी आज पता चल गया होगा कि बीएल क्या क्या बनाती है। और बाकी प्रोग्राम तो मैंने दिखाई दिया था, और बाकी जितने पुराने बीएल के लोग हैं, जो एलुमनाई रह चुके हैं, जो इधर उधर जा चुके हैं बीएल से, उनको भी देखने में अच्छा लगा होगा कि उस टाइम पे कैसा होता था, और सब यही बोल रहे होंगे यार हमारे टाइम पे होता था बढ़िया, अब देखो भीड़ ही नहीं है। और साथ में आज मैं सारी परफॉर्मेंस तो नहीं ले पाया, लेकिन जो मैंने 3-4 परफॉर्मेंस लिए हैं उन सारी परफॉर्मेंसेस को मैं अपने दूसरे चैनल में डाल दूंगा, पूरी की पूरी डाल दूंगा वीडियो, और जो मेरा चैनल है दूसरा हसवाल जी का बेटा, तो वहाँ पे आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हो गाने के साथ अपने वाले, जिस गाने में आपने डांस किया था। तो इसलिए बस फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन देर से दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना, और अगर व्लॉग बनते अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी साथ मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बाबा के नमस्कार, जय भद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। अरे नमस्ते जी, कैसे हो आप? ठीक है, हाँ जी बढ़िया। चलो आप बधाई हो, बहुत धन्यवाद। चलो फिर बधाई हो, किसी की शुभकामनाएं दे रहे हैं हम, जब बताया नहीं मैंने तो है, कोई बात नहीं, बताएंगे जल्दी बताएंगे, ठीक है।